बीजेपी के अहदेदारान और कारकुनान ने आज मिनी विधान सौधा के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के जरिए रियासती गवर्नर को याददाश्त रवाना की, जिसमें सिद्धरामैया हुकूमत में शामिल बदउनवान वुजरा को काबीना से खारिज करने का मुतालबा किया गया है। वजीर ईंधन डी के शिव कुमार के मकान और उनके मालिकाना 69 इमारतों और दफातर में आईटी अहदेदारान ने छापे मारे। चीफ मिनिस्टर उन्हें काबीना से खारिज करने के बजाय उनका दिफा कर रहे हैं। याददाश्त में सिद्धरामैया काबीना के एक और वजीर रमेश जारकीहोली और केपीसीसी महिला मोर्चा की सदर श्रीमती लक्ष्मी हिब्बाड़कर और एमएलसी गोविंद राज के मकानों पर आईटी अहदेदारान के छापों के दौरान करोड़ों रुपए, कई जायदाद व इमलाक के मालिक होने का पता चला है। याददाश्त में रियासती हुकूमत पर बदउनवानियों की हौसला अफजाई करने का इल्जाम आयद करते हुए बदउनवान वुजरा को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया गया है। कुछ दिन पहले डीके शिवकुमार जो हमारे मंत्री है उसके घर पे रेड हुआ है, ना ही उनके घर पे रेड हुआ है बल्कि उनके भाई के ऊपर, उनके दामाद के ऊपर और कम से कम 60 उनके जगह पे रेड किया है। ये रेड जब आईटी डिपार्टमेंट करता है तो उसका कोई बैकग्राउंड होता है। कम से कम 6 महीने से उनके ऊपर अलग अलग तरीके से जो इंक्वायरी होती है, उनको इंक्वायरी करने के बाद उनको, उनके पास जो ब्लैक मनी है ये साबित होने के बाद ही उनके ऊपर रेड होता है। और उसी तरह जब उन्होंने रेड किया, रेड के बाद में काफ़ी विषय हम माध्यम में या पत्रिका में हम पढ़ते हैं, उसको ये साबित होता है कि ये कलंकित एक पॉलिटिशियन है, एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन है। ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन को सिद्धरामैया छोड़ना चाहिए। उसको छोड़ने के बजाय सिद्धरामैया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसको शाबाशगिरी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पे पहले आप उनको डिसमिस कीजिए, आप मंत्री पद से पहले उनको हटा दीजिए और दोबारा वैसे लोगों पे इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा हम सिद्धरामैया से चाहते हैं।